पिकअप वैन की टक्कर से बच्चा घायल, चालक फरार। दिन ब दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिन ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, वे भी गाड़ी तेज गति से चला रहे हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी गाड़ी चलाते पाए गए हैं, जिसकी वजह से अक्सर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। टिटलागढ़ शहर के देवेंद्रपाड़ा में शिव मंदिर की ओर से मुख्य सड़क से पाड़ा के एक रास्ते से एक महिंद्रा पिकअप वैन वाहन संख्या OD03S4551 ने अपना संतुलन खो दिया और एक बाइक सवार, एक छोटी लड़की और एक ठेले को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया, जबकि बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोग और लड़की की मां बच्ची को अस्पताल ले गए और उसे भर्ती कराया। घटना के बाद गाड़ी चालक घटना स्थल से फरार है। लोगों के अनुसार चालक नाबालिग लग रहा था और उनका कहना है कि शहर में कई दुर्घटनाएं ऐसे नाबालिग बच्चों की वजह से हो रही हैं। खबर मिलते ही टिटलागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। नाबालिग गाड़ी चालकों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिस वजह से इस प्रकार की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। टिटलागढ़ से गौरव दर्जी की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। ड्राइवर कहीं गला ये जाने भागले गाड़ी उतरला माते गाड़ी भागी छ गई।